नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम जो आपके सामने सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो बेसिकली बेस्ड होगा फेमस प्लेसेज इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, फेमस प्लेसेज इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने तय हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे मैं तकरीबन आपको 150 प्लस एक्स्ट्रा, यानी तकरीबन 100 में आपको इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताऊंगा, चाहे वो टेम्पल से हों, चाहे वो पार्क से हों, चाहे वो म्यूजियम्स हों, चाहे फिर आपके जो है अदर प्लेसेस हों जो कि आपके यूनेस्को में मेंशन किए गए, वो सारे बताऊंगा। प्लेलिस्ट मैंने करंट अफेयर की बना दी है, आप देख लीजिएगा जा करके। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बना दी है, जाके देख लीजिएगा। स्पेशल जीए जीके की प्लेलिस्ट भी बना दी है, और शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर रखे लीजिएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं। ठीक है, चले शुरू करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है गोल गुंबद। गोल गुंबद 1656 में मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा बनाया गया था गोल गुंबद। तो आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था, और ये कर्नाटका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछा गया कि विट्ठल टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, तो विट्ठल टेम्पल कहाँ पे हो जाएगा, वो यहीं पे हो जाएगा। बादामी केव्स पूछा गया आपको कहाँ पे हो जाएगा, तो वो भी कर्नाटका में हो जाएगा। लाल बाग गार्डन पूछा जाएगा, बेसिकली आपका गार्डन सिटी भी कहा जाता है ये, तो लाल बाग गार्डन कहाँ पे हो जाएगा, बैंगलोर में हो जाएगा, जो कि आपका कर्नाटका में ही पड़ता है। ठीक है, हम्पी पूछा जाएगा कहाँ हो जाएगा, तो वो भी कर्नाटका में ही हो जाएगा। उसके अलावा नील तीर्था पूछा जाएगा कि नील तीर्था कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा, आपका कर्नाटका में ही हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। फतेहपुर सिकरी फोर्ट, तो देखिए फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, सबको पता होगा फतेहपुर सिकरी कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसका नाम पहले फतेहाबाद हुआ करते था, फतेहाबाद बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, तो वो मतलब होता है विक्ट्री। और अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा अकबर ने 1571 में फतेहपुर सिकरी को बनवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैं दो तीन और इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ आपको। 1575 में अकबर ने यही बनवाया था आपका पंचमहल, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इबादत खाना कह सकते हैं, इबादत खाना 1575 में बनाया था। बुलंद दरवाजा भी पूछा जाता है, जो कि गुजरात द्वीप के बाद 1602 में अकबर ने बनवाया था, और 1605 में अकबर की डेथ भी होती है, आपको पूछा जा सकता है। लेकिन 1602 ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको बुलंद दरवाजा बनाया गया, जो कि फतेहपुर सिकरी में ही बना था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1582 में अकबर ने एक धर्म की भी स्थापना करी थी, दीन ए इलाही। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फतेहपुर सिकरी फोर्ट ध्यान रखिएगा अकबर के द्वारा बनवाया गया था 1571 में, इसलिए मैं डेट्स बता दे रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। गोलकुंडा फोर्ट पूछा जाएगा तो हैदराबाद में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा तेलंगाना में हो जाएगा। काकती भवनियों और कुतुब शाहियों ने, जिसे तीन राजेंद्रों ने मिलकर के इसको निर्मित किया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मुंबई में। 2004 में ध्यान रखिएगा इसको यूनेस्को की लिस्ट में जो है कि डाला गया था, और इसको डिजाइन किसने किया, तो फ्रेडरिक विलियम स्टेवन, पूछा जा सकता है आपको, कई बार पूछा गया आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक विलियम स्टेवन ने इसको बनाया है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि आपको गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया, देखिए यहीं से मैं बता देता हूँ, तो जॉर्ज विटेट ने, पूछा जाता है आपको जॉर्ज विटेट ने, जबकि दिल्ली पूछा जाएगा तो वो एडविन और लुटियंस हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली पूछा जाएगा आपका इंडिया गेट, तो वो एडविन और लुटियंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलकनुमा पैलेस, तो कहाँ पे हो जाएगा फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद में, वेरी वेरी फेमस, नवाब वकार उल उम्रा द्वारा निर्मित किया गया। हवा महल कहाँ हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाई प्रताप सिंह द्वारा महिलाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ताकि बाहरी दुनिया को अन्य लोगों द्वारा देखा जा सके, यानी उस समय बनाया गया था, जो कि हवा महल आपका कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। मीनाक्षी टेम्पल पूछा जाएगा तो मदुरई तमिलनाडु में हो जाएगा। लिपाक्षी टेम्पल यहीं पे पूछा जाएगा आपको, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी पूछा गया तो मदुरई तमिलनाडु में, और लिपाक्षी पूछा गया तो आंध्र प्रदेश में। सबरीमाला पूछा गया था है आपको, वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केरला में, ये भी पूछा गया। लोटस टेम्पल पूछा जाएगा आपको, दिल्ली हो गया। जगन्नाथ टेम्पल आपको कई बार पूछा गया है, कहाँ हो जाएगा, पुरी हो जाएगा। इसी तरह बृहदेश्वर में भी आप, अच्छा यहीं पे मेंशन भी किया हुआ है, बृहदेश्वर टेम्पल पूछा जाएगा तो आपको तंजावर तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। राजराज चोल के द्वारा बनाया गया था आपका, चोल शासक के द्वारा। बहुत सारे टेम्पल्स देखिए आपको पूछे जा सकते हैं। गोल्डन टेम्पल आप सबको पता है अमृतसर हो जाएगा। बंगला साहिब पूछा जाएगा बेसिकली आपका कहाँ पे गुरुद्वारा, तो वो दिल्ली में हो जाएगा। सन टेम्पल पूछा गया, कोणार्क हो जाएगा आपका जो है कि ओडिशा में हो जाएगा। उसके अलावा सोमनाथ टेम्पल पूछा जाएगा गुजरात में। सौर टेम्पल पूछा जाएगा महाबलीपुरम में हो जाएगा, ये भी कई बार पूछा गया है।
सारनाथ पूछा जाएगा तो आपको वाराणसी में हो जाएगा, प्लस पाटक्कल पूछा गया या हम्पी पूछा गया, या फिर आपको जो पूछा गया आपका कि हजार राम मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो ये सब कर्नाटका में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। आमेर फोर्ट का किला कहाँ हो जाएगा? जयपुर राजस्थान में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था इसको। चार मीनार अगर पूछा जाएगा सबको पता है कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा, तेलंगाना में। कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया और कई बार आपको पूछा गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है हैदराबाद तेलंगाना में। इसी तरह आपको आनंद भवन पूछा जाता है तो सबको पता होगा ये प्रयागराज में होगा, आनंद भवन अगर पूछा जाता है आपको, क्योंकि कई बार पूछा गया है। बाकी राजघाट पूछा गया तो दिल्ली में, हुमायूं का टॉम पूछा गया मकबरा तो दिल्ली में, शांतिवन पूछा जाएगा आपको दिल्ली में, पूछा जाता है ये क्वेश्चन पूछा, जबकि अकबर का अगर मान लीजिए मकबरा आपको पूछा गया तो वो आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर कहाँ पर, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है, सिटी पैलेस कहाँ हो जाएगा? उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा, जबकि अंबर पैलेस पूछा जाएगा तो वो जयपुर राजस्थान में हो जाएगा, ये भी कई बार पूछा गया है अंबर पैलेस के बारे में कहाँ हो जाएगा, तो वो जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। बीबी का मकबरा अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखिएगा औरंगाबाद में हो जाएगा, कई बार पूछा गया बीबी का मकबरा आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस आइलैंड पैलेस पूछा जाएगा वो भी कहाँ पे हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा टूरिज्म प्लेस भी है ये, पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। बोलागट्टी पैलेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाएगा, तो केरला में हो जाएगा। बोलागट्टी पैलेस कहाँ हो जाएगा? कोची के केरला में। सेलुलर जेल पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। काला पानी की सजा भी यहीं पे होती है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया आपको, ध्यान रखिएगा कहाँ पे होती है, तो काला पानी की सजा नाम से भी इसको जाना जाता है। आगरा का किला सबको पता है, आगरा ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आखिर 2004 के लिए इसे आर्किटेक्चरिंग आगा खान अवार्ड भी दिया गया था, प्लस 1504 में आगरा को, आगरा अगर पूछा जाएगा तो वो सिकंदर लोधी के द्वारा बनाया गया। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पूछा गया, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा गोवा में, एक नंबर का क्वेश्चन। सेंट जेवियर चर्च पूछा जाएगा तो वो भी आपका गोवा में ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है चर्च वाला, ध्यान रखिएगा, कई बार बनाया भी गया है। मैसूर पैलेस पूछा जाएगा तो मैसूर यानी कर्नाटका में हो जाएगा, पूछा जा सकता है, हेनरी इरविन के द्वारा डिजाइन किया गया था। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में भी जस्ट मैंने बताया आपको। धामक स्तूप पूछा जाएगा या फिर आपको सारनाथ टेम्पल पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा? सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ को पहले ध्यान रखिएगा ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान अजमेर में हो जाएगा। बंगला साहिब अभी जस्ट मैंने आपको बताया दिल्ली में हो जाएगा। जैसलमेर फोर्ट पूछा जाएगा जिसको गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, और वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान, जबकि गोल्डन टेम्पल पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? अमृतसर में हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। दामबुला का स्वर्ण टेम्पल पूछा जाएगा तो वो श्रीलंका में हो जाएगा, वो भी पूछा जा सकता है आपको। खजुराहो मंदिर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। कोणार्क सन टेम्पल जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको पूछा गया। और नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था? तो उड़ीसा में बनवाया था। सन टेम्पल पूछा जाएगा वो भी कहाँ हो जाएगा? कोणार्क में ही हो जाएगा। जगन्नाथ टेम्पल पूछा जाएगा वो भी आपका पूरी उड़ीसा में ही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ से, कुंभलगढ़ किला पूछा जाएगा राजस्थान, बुलंद दरवाजा भी जस्ट मैंने आपको बताया 1602 में अकबर के द्वारा बनाया गया था। सांची स्तूप पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। धामक स्तूप पूछा जाएगा तो आपको सारनाथ हो जाएगा, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और जैसलमेर का किला पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान, अभी जस्ट बताया। रेड फोर्ट पूछा जाएगा, लाल किला सबको पता है कहाँ हो जाएगा? दिल्ली, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। शाहजहां का जो समय है वो जो है कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चरिंग कहा जाता है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल पूछा जाएगा तो कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है, और विक्ट्री मेमोरियल भी आगे होगा। फिलहाल विक्टोरिया मेमोरियल देख लीजिए, अगर पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कोलकाता, और कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे हो जाएगा, तो वो कोलकाता में हो जाएगा, यानी क्वेश्चन बनते हैं। हावड़ा ब्रिज पूछा जाएगा आपको कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। बिरला प्लेटेरियम पूछा जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? वो भी कोलकाता में हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी आपका कई बार बना हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। लेह पैलेस पूछा जाएगा तो लद्दाख में, सबको पता है। पुराना किला पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। विवेकानंद रॉक पूछा जाएगा तमिलनाडु, एक नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया विवेकानंद रॉक। ताजमहल पूछा जाएगा तो सबको पता है भाई, आगरा में, सात अजूबों में से एक है।
मेमोरियल देखिए, यहाँ पे इसी की मैं बात कर रहा था, विक्ट्री मेमोरियल पूछा जाएगा आपको तो वो तमिलनाडु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विक्ट्री मेमोरियल पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। राम सेतु पूछा जाएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि सेतु है जो कि पूछा जा सकता है, राम सेतु। वैसे पूछा नहीं जाएगा आपको, फिर भी ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु मोस्टली आपको मिलेगा उधर ही से। ऐहोल बादामी पटक्कल पूछा जाएगा, कर्नाटका। बादामी हो गया, ऐहोल हो गया, पटक्कल, ये कहाँ से हो जाएंगे, तो ये कर्नाटका से हो जाएंगे। नालंदा पूछा जाएगा तो बिहार में। काजीरंगा देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन, असम में। और सैटेलाइट फोन यूज करने वाला भी पहला आपका जो है कि नेशनल पार्क है, प्लस बेसिकली वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है, एक सिंगी जो है कि गैंडो के लिए जाना जाता है। विवेकानंद इल्लम कहाँ हो जाएगा, ये भी तमिलनाडु हो जाएगा, मेंशन किया गया, चेन्नई में। रामकृष्ण आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। वहीं बेलूर मठ पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन जी के याद में बनवाया गया था विवेकानंद जी के द्वारा। तिरुमलाई नायकर महल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, मदुरई तमिलनाडु में हो जाएगा, प्लस मीनाक्षी टेम्पल भी मदुरई में हो जाएगा। मेहरानगढ़ का किला अगर पूछा गया तो राजस्थान में हो जाएगा। रिपन बिल्डिंग कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, यह देश की पहली हेरिटेज बिल्डिंग तमिलनाडु, सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है जो कि पूछा जा सकता है। वराह के पूछा जाएगा, वो भी कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु होगा, पहले भी मैंने बता रखा है। या फिर आपको सितानमंचल करके एक केव थी, वो भी पूछी जाएगी तो वो भी कहाँ पे हो जाएगी, तमिलनाडु हो जाएगी। प्लस बृहदेश्वर टेम्पल मैंने आपको बताया तंजावुर तमिलनाडु में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कई बार को पूछा गया। कन्याकुमारी टेम्पल पूछा जाएगा, वो भी कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन भी बनाया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मरीना बीच भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा तो वो भी हो चेन्नई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यानमलाई एलिफेंट हिल कहाँ हो जाएगा, तो ये भी तमिलनाडु का ही है। लाडन टेम्पल देखिए पूछा जा सकता है आपको, ये भी कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, लाडन मंदिर पूछा जाएगा तो। ग्वालियर फोर्ट कहाँ हो गया, ये एमपी में होगा, सबको पता होगा, जिसे मानसिंह तोमर ने बनवाया था। घाना घर अगर पूछा जाएगा, कॉक टावर कहा जाता है जो कि आपका राजस्थान में है। नंदा देवी कहाँ पे हो जाएगा, यूके में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। सलीम सिंह की हवेली, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपका राजस्थान में, जबकि सलीम अली पार्क पूछा जाएगा तो वो चला जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। जय विलास महल, ध्यान रखिएगा, जय विलास महल पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में, जय विलास महल अगर पूछा गया तो मध्य प्रदेश में, कई बार पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन ये बनते ही बनते हैं। प्लस पंचमहल अभी जैसे मैंने बताया आपको, फतेहपुर सिकरी हो जाएगा, रेड फोर्ट पूछा जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। लाल बाग गार्डन मैंने आपको बताया, बैंगलोर कर्नाटका, वो भी ध्यान रखिएगा। मालाबार हिल पूछा गया तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सुंदरबन नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और भीम भेट का पूछा जाएगा तो एमपी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक मेंशन किया गया, यानी बेसिकली भीम भेट का। तुगलकाबाद पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। कालका शिमला रेलवे तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, सेम प्लेस है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल पूछा जाएगा, वो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, बना हुआ क्वेश्चन है। विक्टोरिया मेमोरियल भी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, बना हुआ क्वेश्चन है। हावड़ा ब्रिज भी बताया। देखिए लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ पे हो जाएगा, वडोदरा, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ पे हो जाएगा, वो वडोदरा हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चन अलग अलग है। जहांगीर महल पूछा जाएगा तो ओरछा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, जहांगीर महल अगर पूछा गया आपको, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर पूछा जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अमरनाथ मंदिर पूछा जाएगा तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। महाबलेश्वर पूछा जाएगा तो उज्जैन हो जाएगा। कैलासा टेम्पल पूछा जाएगा, एलोरा हो जाएगा, पूछा गया, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। दिलवाड़ा पूछा जाएगा तो वो माउंट आबू में हो जाएगा, जो कि पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। लोटस टेम्पल जिसको बहाई के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दिल्ली में। भोपाल में ताज उल मस्जिद, ध्यान रखिएगा, मस्जिदों में से सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मस्जिद, ताज उल मस्जिद का ही मतलब क्या हो जाता है, मस्जिदों का ताज, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा एमपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। अहमद शाह मशक कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात शाह में हो जाएगा। ढोलावीरा कहाँ पे हो जाएगा, कक्ष में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हजार पीर दरगाह कहाँ पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कक्ष, गुजरात में। हजार राम मंदिर कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटका में। राजा रानी टेम्पल पूछा गया, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, पूछा गया। कामाख्या देवी टेम्पल पूछा जाएगा, असम में हो जाएगा। लिंगराज टेम्पल पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, ये सब भी क्वेश्चंस बने हैं आपको, कई बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, रणथंबोर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो कर्नाटका हो जाएगा, हाँ सॉरी, रणथंबोर पूछा जाएगा तो मैंने दूसरा बता दिया, रणथंबोर अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा वेरी इजी, कहाँ पे हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपको। तो ये सारे दोस्तों आज के क्वेश्चंस थे, ध्यान रखिएगा।
और सारे ही आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपको, और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। प्लस जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने बताई वो भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो अपना ध्यान रखिए, सेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। उसके अलावा आपको पता है मैंने अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अकेडमी पर मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आप अपने अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आप vimbris@14 कोड यूज़ करके फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस का भी फायदा उठाना है तो vimbris@14 कोड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लस क्लासेस मिल जाएंगे। उसमें जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं वो आप पा जाएंगे, जैसे सारे एजुकेटर्स हो गए, उनके PDF नोट्स हो गया, उनके टेस्ट सीरीज़ हो गया, उनके बैच कोर्सेज हो गए, ये सब आपको जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जहाँ पे आप जो है कि जितने भी आपको डिटेल्स और जितने भी उनके नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आप और एग्ज़ाम्स के अपने क्लोज पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और आइकॉनिक फीचर्स और जो है कि आप उसके लिए भी सेम कोड यूज़ करना है। प्लस उसके अलावा जो है कि आप vimbris@14 कोड यूज़ करके क्विजेज जो है कॉम्बैट भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलोअप कर लें, देख लें, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, और मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।